हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। स्वागत है आपका हमारी स्थापना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ में, जहाँ पे हमारे ये ज्योग्राफी मॉड्यूल का 21st लेक्चर आज आप लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम इंडिया से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर के से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली इन इंडिया, उन क्वेश्चंस को हम लोग पिक करेंगे और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑलरेडी नो कि इन दिस ज्योग्राफी सीरीज़ हमने ऑलरेडी 20 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को और ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। एंड इन दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर 21st ऑफ दिस सीरीज, वी विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो जो एग्रीकल्चर है उसमें ये फॉलोइंग टॉपिक्स लिस्टेड हैं, जैसे कि लैंड यूटिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सॉइल्स एंड क्रॉप्स इन इंडिया, देन इरिगेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एग्रीकल्चर का ये जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का रेमिफिकेशन ना सिर्फ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट ऑल्सो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत से क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट नहीं करते, दे ऑल्सो टेस्ट और कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग बेसिक साइंस, जो कि बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स भी, इकोनॉमी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स भी, और जो करंट अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये वाली चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हों। तो आई विल अगेन एडवाइज यू कि जो एग्रीकल्चर का ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, और जो हम फॉलोइंग लेक्चर्स करने वाले हैं इन दिस ज्योग्राफी सीरीज, हम अपनी कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर के टॉपिक को ज्योग्राफी तक हम लोग कन्फाइन रखें। जो भी चीज़ें ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर दोनों से जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं और एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व हैं, उनको हम एनवायरनमेंट की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। एंड जो करंट अफेयर्स है, वो तो आप ऑलरेडी अपनी जिज्ञासा सीरीज़ में कवर कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर का टॉपिक, इसे आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। और अगर आपने हमारे जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो 20 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं, अगर आपने उन लेक्चर्स को मिस किया है, देन आई विल एडवाइस कि आप उन लेक्चर्स को भी जाके एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपके ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो फ्रेश रहें, वो ब्रश्ड अप रहें, जिनसे आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टेप हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, जिसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल में हमारी यूट्यूब लेक्चर्स की जो भी सीरीज़ हैं, चाहे वो प्रयास मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ हो, स्थापना की सीरीज़ हो, या जिज्ञासा की सीरीज़ हो, सबके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। देन यू शुड ऑल्सो सब्सक्राइब सिविल स्टैम्प टेलीग्राम चैनल। और इसके बाद हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एंड देन लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। So the question number 211 of the entire series, and the first question for today's lecture is, which of the following statements regarding laterite soils of India are correct? तो हमें चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमसे पूछा गया है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स लेटराइट सॉइल्स जो इंडिया में मिलती हैं उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, लेट अस रीड देम फर्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, दे आर जनरली रेड इन कलर। सेकेंड इज, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश। They are well developed in Rajasthan and Uttar Pradesh. Tapioca and cashew nuts grow well on these soils. तो हमसे बोला गया कि ये जो laterite soils हैं वो generally red color की होती हैं, वो nitrogen और potash, ये जो chemical substances होते हैं soils में, जो soil की fertility को influence करते हैं, nitrogen और potash, इनमें rich है laterite soil. लेटराइट सॉइल राजस्थान और यूपी में well developed है, यानी राजस्थान में और यूपी में बहुत बड़े एरिया में लेटराइट सॉइल मिलती है। और टैपियोका एंड कैश्यू नट्स, दीज आर टू क्रॉप्स, एंड दीज टू क्रॉप्स दे ग्रो वेल ऑन लेटराइट सॉइल। तो ये चारों स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को पिक एंड चूज करना है। तो उससे पहले हम इंडिया में मिलने वाली जो मेजर सॉइल्स हैं, उन सब सॉइल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और हमें बाकी जो भी सॉइल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं या जो आगे आ सकते हैं, उनको भी आंसर करने के लिए आपको आसानी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट सॉइल्स इन इंडिया। Geologically, Indian soils can broadly be divided into soils of peninsular India and soils of extra peninsular India. तो हमने जो इंडिया में मिलने वाली soils हैं उनको सबसे दो broad categories में divide किया। हमने कहा एक होती है peninsular soils, जो कि इंडिया के peninsular region में मिलेंगी, and the other one is extra peninsular soil, जो कि इंडिया के वो region है जो peninsular India के बाहर हैं उन regions में मिलेगी, जैसे कि हिमालयाज या फिर desert या फिर northern plains। The soils of peninsular India
are formed by decomposition of rocks in situ, that is directly from the underlying rocks. These soils are transported and redeposited to a limited extent and are known as sedentary soils. तो ये कह रहा है कि जो soils इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में मिलती हैं, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये soils in situ form हुई हैं. जो भी rocks पेनिनसुलर इंडिया में बनी मिलती हैं, जो बनी हुई हैं, जो कि geologically formation हुआ है, चाहे वो अलग अलग sedimentary rocks हों, चाहे वो metamorphic हों, चाहे igneous rocks हों, उन rocks की decomposition की वजह से पेनिनसुलर soils का निर्माण हुआ है और वो सारी soils उसी जगह पे मिलती हैं. यानी कि जो rock underlying है, for example अगर राजस्थान में, sorry जो महाराष्ट्र में अगर कोई rock है तो उसके decomposition से वहाँ पे soil बन गई. These soils, the soils in peninsular India, they have not been transmitted and deposited to a very great extent. यानी कि जो peninsular India के soils हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक erosion की वजह से transport नहीं हुई हैं, ना ही किसी दूसरी जगह जाके deposit हुई हैं. इसका मतलब पेनिनसुलर इंडिया में जो ज़्यादातर सॉइल्स हैं वो उसी जगह पे मिलती हैं जहाँ पे उनका फॉर्मेशन हुआ था. दैट इज़ व्हाई दीज सॉइल्स आर कॉल्ड एज सेडेंटरी सॉइल्स. बट द सॉइल्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स एंड विंड. दे आर वेरी डीप. दे आर ऑफन रेफर टू एज ट्रांसपोर्टेड और ए जोनल सॉइल्स. तो जो सॉइल्स पेनिनसुलर इंडिया के बाहर मिलती हैं उन सॉइल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसी और जगह पे हुआ था, बट दे हैव बीन इरोडेड and transported and then eventually deposited to a different place. यानी कि जो भी soils आपको northern plains में मिलने वाली हैं, deserts में मिलने वाली हैं, जो river valleys हैं north India में वहाँ मिलने वाली हैं, वो soils किसी और जगह उनका formation हुआ erosion की वजह से और फिर rivers या wind के action की वजह से उन soil को दूसरी जगह ला के deposit कर दिया गया है और वो soils आपको plains में या फिर deserts में देखने को मिलती हैं. तो ये एक बहुत fundamental difference है between the soils in the peninsular India and the soils of extra peninsular India. सो जो सॉइल्स का मेजर ग्रुप है, अगर उसकी बात करें कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कौन से मिलती हैं, सो दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटराइट एंड लेटराइटिक सॉइल्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स एंड एरिड एंड डेजर्ट सॉइल. Saline and alkaline soils and peaty and marshy soils are also found in the regions with specific topography and morphology. तो ये जो हमने types discuss किए alluvial से लेके arid तक, ये soils का major group है जो India में different different locations पे मिलता है. ये climate की वजह से, erosive action की वजह से ये soils का formation हुआ है. But जो saline alkaline soils हैं और peaty और marshy soils हैं, ये India में अलग अलग जगहों पे मिलती हैं जहाँ पे कुछ specific टोपोग्राफिकल और जियोलॉजिकल कंडीशंस मेट होती हैं. उन कंडीशंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम इन सारी सॉइल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं. सो एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू सिल्ट डिपॉजिटेड बाय इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स इन कोस्टल रीजन. सम एलुवियल डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वेव एक्शन. तो जो एलुवियल सॉइल्स हैं इंडिया में, मेजॉरिटी जो भी सॉइल आपको इंडिया में मिलेगी उसमें सबसे बड़ा पार्ट होगा एलुवियल सॉइल का. एज यू कैन सी इट इज़ अ लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कवरिंग अबाउट 40% ऑफ टोटल लैंड एरिया. और ये सॉइल्स मेनली रिवर वैलीज, जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर सिस्टम्स की वजह से जो भी सिल्ट आके डिपॉजिट हुआ है प्लेन्स में, वो सिल्ट एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करता है. और पेनिनसुलर इंडिया में भी आपको एलुवियल सॉइल्स मिलेंगी एट द कोस्टल प्लेन्स एंड इन द रिवर वैलीज. जो भी रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं उनकी वैलीज में, क्योंकि वहाँ भी इरोजिव एक्शन की वजह से इरोजन हुआ है रॉक्स का और फिर डिपोजिशन हुआ है, तो वहाँ भी एलुवियल सॉइल्स मिलेगी. और कोस्टल प्लेन्स में भी वेव एक्शन की वजह से और रिवर्स के डेल्टा और एस्टुअरी फॉर्मेशन की वजह से भी एलुवियल सॉइल्स आपको कोस्टल प्लेन्स में भी मिलेंगी. The soil is porous because of its loamy nature. That is, loamy का मतलब क्या है? Equal proportion of sand and clay. Soil का जो texture है वो soil की properties को बहुत ज़्यादा हद तक influence करता है. तो जो भी soil का texture होगा, अगर वो ज़्यादा sand है उस soil में तो हम उसे sandy soil कहते हैं. अगर बहुत ज़्यादा clay है उस soil में तो हम उसे argillaceous या clay soil कहते हैं. लोमी सॉइल वो होती है जिसमें सैंड और क्ले इक्वल प्रोपोर्शन, लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में मिले, तो उस सॉइल को हम कहेंगे लोमी सॉइल. तो जो एलुवियल सॉइल होती है वो यूजुअली दे आर ऑफ लोमी कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज दे हैव इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले. नाउ द पोरोसिटी एंड टेक्सचर प्रोवाइड गुड ड्रेनेज एंड अदर कंडीशंस फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो मैं आपको एक और फंडामेंटल रूल बता दूं कि जो भी सॉइल क्लेई होगी, यानी कि क्लेई कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो उस सॉइल का ड्रेनेज उतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज क्लेई सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, वाटर को बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकती है.
अगर हम सैंड की बात करें तो वो बिल्कुल उल्टा है, सैंडी सॉइल जितनी ज़्यादा होगी तो वाटर को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाएगी और वाटर बहुत ज़्यादा जल्दी उस सॉइल से सीप थ्रू हो जाएगा, या तो वो इवेपोरेट हो जाएगा सरफेस से ही, या फिर वो उस सॉइल से नीचे ग्राउंड वाटर की तरफ सीप कर जाएगा। तो अगर सॉइल में सैंड और क्ले दोनों का प्रपोर्शन लगभग बराबर है, सॉइल वेल बैलेंस्ड है, लोमी कैरेक्टरिस्टिक की है, तो वो सॉइल का ड्रेनेज अच्छा होने का, यानी कि वाटर ना ज़्यादा सीप करेगा ना ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, वाटर का गुड ड्रेनेज रहेगा और बाकी कंडीशंस भी अच्छी रहेंगी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो इसलिए दीज एलुवियल सॉइल्स दे आर वेरी वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड दीज सॉइल्स आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड बाय द रिकरेंट फ्लड्स। ये भी एलुवियल सॉइल्स का कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज ये रिवर प्लेन्स में मिलने वाली सॉइल्स हैं, रिवर के डिपोजिशन के एक्शन की वजह से ये सॉइल बनी है। और जो इंडिया में जितनी भी रिवर वैलीज हैं, स्पेशली हिमालयन रिवर्स, उनमें जो हर साल फ्लड्स आते हैं, उन फ्लड्स की वजह से ये सॉइल्स रिप्लेनिश हो जाती हैं हर साल, तो इनकी फर्टिलिटी भी बहुत जल्दी रिड्यूस नहीं होती रिकरेंट फ्लड्स की वजह से, हर साल आने वाले फ्लड्स की वजह से इन सॉइल्स की फर्टिलिटी दोबारा रिप्लेनिश होती रहती है। सो एलुवियल सॉइल्स दे हैव लो नाइट्रोजन, ठीक है, बट पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड एल्कलाइज दे आर एडिक्वेट, यानी कि जो नाइट्रोजन का कंपोनेंट है एलुवियल सॉइल्स में वो कम होता है। ये सिर्फ एलुवियल सॉइल्स का ही नहीं, ये पूरे इंडिया में जो भी सॉइल्स मिलती हैं उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि नाइट्रोजन का कंपोनेंट इज नॉट वेरी हाई इन एनी ऑफ द इंडियन सॉइल, ठीक है, बट पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड एल्कलाइज, इनका जो कॉम्पोनेंट है एलुवियल सॉइल्स में वो एडिक्वेट रहता है एग्रीकल्चर के लिए। इस मैप में यू कैन सी दिस येलो कलर सिग्निफाइज द एलुवियल सॉइल, जो कि पूरा नॉर्दर्न इंडिया प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा वैली है एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑन दी बेसिकली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत सारी रिवर्स जो कि पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ही आके अपना डेल्टास बनाती हैं, जिसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट पे यू कैन फाइंड जो एलुवियल सॉइल। दिस सॉइल कैन ऑल्सो भी फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, बट वेस्टर्न कोस्ट बहुत नैरो कोस्ट हैं और वहाँ पर एलुवियल सॉइल का जो प्रपोर्शन है वो काफ़ी कम है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्लैक सॉइल्स, दे आर स्प्रेड ओवर 16.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। एज यू कैन सी दिस सॉइल सिग्निफाइज द ब्लैक सॉइल। द पेरेंट मटीरियल फॉर मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल आर द वोल्केनिक रॉक्स फॉर्म्ड इन द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन एंड राजमहल ट्रैप। ये जो एरिया है महाराष्ट्र, गुजरात एंड सदर्न मध्य प्रदेश का एंड इवन नॉर्दर्न कर्नाटका, दिस एरिया इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल्स का देखने को मिलेंगे बिकॉज इनका जो ओरिजिन है वो वोल्केनिक रॉक से हुआ है। जियोलॉजिकल पास्ट में इंडिया के इस रीजन में देयर वर वोल्केनिक इरप्शंस एंड जो भी लावा या मैग्मा बाहर आया उन वोल्केनिक इरप्शन से उनका इरोजन होके दीज ब्लैक सॉइल्स हैव बीन फॉर्म्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया दीज सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन तमिलनाडु एंड स्मॉलर पोर्शंस ऑफ साउथ इंडिया, एंड वहाँ पे जो इन सॉइल्स का कैरेक्टरिस्टिक है वो हुआ है ग्नीसिस एंड शिस्ट की वजह से, विच आर ऑल्सो काइंड ऑफ इग्नियस रॉक। नाउ दीज सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, दे हैव हाई मॉइस्चर रिटेंशन, स्वेल्स ऑन एक्यूमुलेटिंग मॉइस्चर, मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन रेनी सीजन एज इट गेट्स वेरी स्टिकी, यानी कि जो ब्लैक सॉइल है ये वाटर को बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को रिटेन रख सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। दिस इज बिकॉज ब्लैक सॉइल्स दे आर हाईली क्लेई इन नेचर, ठीक है, जो क्ले का कॉम्पोनेंट है ब्लैक सॉइल्स में वो काफ़ी हाई रहता है, इसकी वजह से जो मॉइस्चर रिटेंशन है ब्लैक सॉइल का इट इज़ वेरी हाई, और जब भी मॉइस्चर का सप्लाई होता है ब्लैक सॉइल में दीज सॉइल्स दे स्वेल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाती हैं, स्टिकी हो जाती हैं और उन पर एग्रीकल्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इन समर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स, द सॉइल श्रिंक्स विद ब्रॉड एंड डीप क्रैक्स, द क्रैक्स परमिट ऑक्सीजनेशन ऑफ सॉइल टू सफिशियंट डेप्थ एंड सॉइल हैज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फर्टिलिटी। यहाँ पे कह रहा है कि जब रेनी सीजन हुआ, जब मॉइस्चर का सप्लाई हुआ, तब तो ये सॉइल्स बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई, इन्होंने काफ़ी मॉइस्चर को रिटेन कर लिया, बट जब समर्स या और ड्राई सीजन आते हैं तो ये सारा मॉइस्चर उस सॉइल से इवेपोरेट होने लगता है एंड देन सॉइल श्रिंक्स, ठीक है, इवेपोरेट करने के बाद वो सॉइल श्रिंक होने लगेगी और उस सॉइल में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो सॉइल पहले एक्सपेंडेड थी जब वो श्रिंक होगी तो बीच बीच में इसे टूट जाती है, क्रैक्स बन जाते हैं एंड दीज क्रैक्स दे आर पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल। नाउ दीज सॉइल्स दे आर रिच इन आयरन, एल्यूमिना एंड लाइम बट लो इन फॉस्फेट्स एंड नाइट्रोजन। जो ब्लैक सॉइल्स हैं अगेन वो फॉस्फेट्स में और नाइट्रोजन में लो हैं, बट आयरन, एल्यूमिनियम और लाइम जो कि मेटल कंपोनेंट्स हैं, मेटालिक कंपाउंड्स हैं, उसमें रिच होती हैं ब्लैक सॉइल्स एंड दी सॉइल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द कॉटन क्रॉप, हेंस दी सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज रेगर एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। जो कॉटन क्रॉप के लिए ब्लैक सॉइल्स आर वेरी फेमस, जो कॉटन की यील्ड मिलती है ब्लैक सॉइल पर वो बहुत अच्छी यील्ड मिलती है, दैट इज वाई दी सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड एंड येलो सॉइल,
द मेन पेरेंट रॉक आर क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक एसिड ग्रेनाइट्स, नीसेस एंड क्वार्ट्जाइट्स. दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, और इन्हीं रॉक्स के इरोजन और वेदरिंग की वजह से रेड एंड येल्लो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है. द रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. ये जो रेड और येल्लो कलर आपको देखने को मिलेगा रेड येल्लो सॉइल में, वो बेसिकली आयरन ऑक्साइड के डोमिनेंस की वजह से है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड, आयरन के जो कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड कंपाउंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस सॉइल में मिलते हैं. इसलिए जो रेड कलर होता है वो आपको देखने को मिलेगा. जब ये सॉइल में आयरन ऑक्साइड के अलावा मॉइस्चर भी रहे तो वो रेड कलर थोड़ा येल्लोइश टिंज ले लेता है, इसलिए हम इसे रेड एंड येल्लो सॉइल कहते हैं. तो मॉइस्चर की वजह से डिफरेंस आता है रेड एंड येल्लो में, बट द कॉमन थिंग इज कि आयरन ऑक्साइड का डोमिनेंस है, दैट इज वाई दिस कलर इज सीन. नाउ द रेड सॉइल आर मोस्टली लोमी एंड हैंस कैन नॉट रिटेन वाटर लाइक द ब्लैक सॉइल्स. तो जो रेड सॉइल्स हैं ये अगेन एलुवियल सॉइल्स की तरह लोमी है, यानी सैंड और क्ले दोनों का प्रपोर्शन मौजूद है, और इस वजह से ये सॉइल्स ब्लैक सॉइल्स की तरह मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर सकती. दीज सॉइल्स आर एसिडिक ड्यू टू द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स. दे आर पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, बट दे आर रिच इन पोटैश. सो एज यू कैन सी दीज सॉइल्स दे आर पुअर इन मेनी केमिकल कॉम्पोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर. लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. ह्यूमस मीन्स ऑर्गेनिक मैटर, बट दे आर रिच इन पोटैश. दे ऑक्युपाई अबाउट 10.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री एंड आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड में मिलता है, देन पार्ट्स ऑफ साउथ बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरावलीज एंड ईस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान, देन दी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो आप देखिए ये जो रेड एंड येलो सॉइल है काफ़ी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करती है हमारे कंट्री का, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेकन प्लेटू जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का प्लेटू है, एंड जो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका वाला प्लेटू है, देयर दीज रेड एंड येलो सॉइल्स आर फाउंड इन अबंडेंस. अब बात करें रेड सॉइल्स विद द प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन टेक्निक्स गिव गुड यील्ड ऑफ कॉटन, वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटोज एंड फ्रूट्स. तो ये सॉइल्स एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है अगर प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाएँ तो. नाउ द लैटराइट सॉइल, दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स. हैवीली लीच्ड सॉइल्स रिच इन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स. तो लैटराइट सॉइल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको जरूर याद रखनी है कि बाकी जो अभी तक हमने सॉइल्स डिस्कस की उनका फॉर्मेशन बहुत हद तक पेरेंट रॉक्स और इरोजिव एक्शन की वजह से डिटरमाइन हो रहा था. जो एलुवियल सॉइल्स थी वो विंड और वाटर के एक्शन की वजह से बन रही थी, उसके बाद जो ब्लैक कॉटन सॉइल थी वो वोल्केनिक रॉक्स की वजह से बन रही थी, जो रेड एंड येलो सॉइल थी वो भी पेरेंट रॉक की वजह से बन रही थी, बट जो लैटराइट सॉइल है ये क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है लैटराइट सॉइल की फॉर्मेशन पे. तो वो रीजन्स जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहे और हाई रेनफॉल भी हो और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स हों, यानी कि साल का कुछ टाइम वेट है जब रेनफॉल हो रही है और कुछ टाइम बिल्कुल ड्राई है और टेम्परेचर्स वहाँ पे हाई रहेंगे जहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो सके, तो ऐसे रीजन्स में आपको लैटराइट सॉइल्स देखने को मिलती हैं. सो दीज सॉइल्स दे आर पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, पोटैश एंड नाइट्रोजन. लैटराइट मीन्स ब्रिक इन लैटिन. दे हार्डन ग्रेटली ऑन लूजिंग मॉइस्चर, यानी कि जो लैटराइट सॉइल्स हैं जब ये मॉइस्चर लूज कर देती हैं तो दीज सॉइल्स दे बिकम वेरी हार्ड. They are red in color due to very little clay and more gravel of red sandstones. The continuous stretch of laterite soil is found on the summits of western ghats at 1000 to 1500 meter above sea level. Eastern ghats, Rajmahal Hills, Vindhya, Satpuras and Malwa Plateau. ये सारे जो geographical regions हैं ये सब हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स का जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किए हैं. आप बार बार रिवाइज करिए मैप्स में जाके, मैंने आपको तब भी कहा था क्योंकि ये जो नाम है आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हम इंडिया के किस रीजन की बात कर रहे हैं. तो ये जो लेटराइट सॉइल्स हैं ये इन रीजन्स में मिल रही हैं. एज यू कैन सी दिस डार्क पिंक कलर, दिस सिग्निफाइज द लैटराइट सॉइल्स. दे आर फाउंड इन स्ट्रेचेस बोथ इन पेनिनसुलर इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड द पार्ट्स ऑफ राजस्थान. दीज सॉइल्स दे लैक फर्टिलिटी ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग. वेन मैन्योर्ड एंड इरीगेटेड सम लैटराइट्स आर सूटेबल फॉर गिविंग ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, रबर, सिंकोना, कोकोनट, कैशू, टैपियोका, एरिका नट. सो जो लैटराइट सॉइल्स हैं जनरली दे आर हैविंग पुअर फर्टिलिटी, उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रिच नहीं होती क्योंकि वहाँ इंटेंसिव लीचिंग हो चुकी है. लीचिंग का क्या मतलब है कि जब सॉइल में मॉइस्चर आ गया, ठीक है, तो जितने भी सॉइल में कंपाउंड्स मौजूद थे जो कि फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ऑल दीज कंपाउंड्स दे गेट डिजॉल्व इन वाटर. बट
धीरे धीरे वो जो वाटर है नीचे की तरफ सीप करने लगता है, क्योंकि कोई भी वाटर है वो सॉइल से नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से सीप करेगा, और वो अपने साथ जो भी कंपाउंड्स डिसॉल्व करके लेके चला गया वो टॉप सॉइल से निकल के नीचे की तरफ यानी डीप अंडर द सॉइल पहुंच जाएंगे, और जो टॉप सॉइल रहेगी वहाँ पे फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो लेटराइट सॉइल्स का ये जो कॉम्पोनेंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पुअर फर्टिलिटी है लेटराइट सॉइल्स की, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाई लीचिंग, क्योंकि ये सॉइल्स हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरियाज में मिल रही हैं, तो जो भी हाई रेनफॉल होगी जब वेट पीरियड आएगा तो सारे फर्टाइल कंपाउंड्स इन द टॉप सॉइल वो वाटर में डिजॉल्व हो गए, और वाटर के साथ धीरे धीरे सीप करके डीप अंडर द ग्राउंड पहुंच गए। एंड जब वेट के पीरियड के बाद ड्राई पीरियड आएगा तब वो सारा वाटर अगेन इवेपोरेट हो जाएगा, और सारे के सारे कंपाउंड्स जो थे वो टॉप सॉइल से निकल के पीछे रह जाएंगे डीप सॉइल में। सो दैट इज़ वाई द फर्टिलिटी ऑफ लेटराइट सॉइल्स जनरली इज़ वेरी लो, बट अगर हम प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली लेटराइट सॉइल्स पे हम काफ़ी क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जिनका एग्जाम्पल्स यहाँ मैंशन किया हुआ है। नाउ दीज लेटराइट सॉइल्स दे प्रोवाइड वैल्यूएबल बिल्डिंग मटीरियल। दीज सॉइल्स कैन ईजिली बी कट इन टू केक्स बट हार्डन्स लाइक आयरन वेन एक्सपोज टू एयर। अगेन हमने बात की कि जब ये सॉइल मॉइस्ट रहती हैं तब ये सॉइल सॉफ्ट रहती हैं, बट आफ्टर लूजिंग मॉइस्चर दे हार्डन। तो इसलिए जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो लेटराइट सॉइल से हम बना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मॉइस्चर को निकाल लेंगे सॉइल से, सो दीज सॉइल दे विल बिकम वेरी हार्ड एंड दे विल असिस्ट इन बिल्डिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। दीज सॉइल्स ऑक्यूपाई अबाउट 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 8.67% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। द फॉर्मेशन ऑफ दीज सॉइल इज मेनली गवर्न्ड बाई कैरेक्टरिस्टिक डेपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड द कैरेक्टर चेंजेस विथ पेरेंट रॉक्स, ग्राउंड कन्फिग्रेशन एंड क्लाइमेट। सो ये जो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स हैं इनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, कि किस रीजन में मिल रही हैं। बट ये दोनों फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स ये आपको उन रीजन्स में मिलेंगी जहाँ पे माउंटेन्स हैं या फिर वेरी लश ग्रीन फॉरेस्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर वो माउंटेन्स हिमालयास के हैं तो इन फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी अलग हो सकती है। अगर ये सॉइल्स वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स में मिल रही हैं तो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक इनकी अलग होगी। इसलिए कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपको हर जगह नहीं मिलेगी। एक कॉमन चीज़ ये है कि ये सॉइल्स माउंटेनस एरियाज़ में मिल रही हैं, और वहाँ उन एरियाज़ में स्लोप हाई होने की वजह से ये सॉइल्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती। ठीक है, बिकॉज स्लोप्स की वजह से ये जो सॉइल है बहुत ज़्यादा जल्दी इरोड होती रहती है, फिर डिपॉजिट भी होती रहती है, इस वजह से ये सॉइल्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, और ये इनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। इन द हिमालयन रीजन सच सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन वैलीज, लेस स्टीप एंड नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। द साउथ फेसिंग स्लोप्स आर वेरी स्टीप एंड एक्सपोज टू डेनुडेशन एंड हेंस डू नॉट सपोर्ट सॉइल फॉर्मेशन। हिमालयास को जब हमने डिस्कस किया था हमने ये बात जरूर की थी कि जो हिमालयास की साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं, जो साउथ की तरफ स्लोप्स हैं वो ज़्यादा स्टीप रहती हैं, और जो नॉर्थ की तरफ स्लोप्स हैं वो उतनी स्टीप नहीं रहती हैं, वो थोड़ी जेंटल रहती हैं। इसलिए जो सॉइल फॉर्मेशन है हिमालयाज में वो नॉर्थ की स्लोप्स में ज़्यादा होता है और साउथ की स्लोप्स में कम होता है, और यही पॉइंट इस लाइन में मैंशन किया गया है। नाउ दीज फॉरेस्ट सॉइल्स दे ऑल्सो अकर इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, जो कि माउंटेन्स आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी। देन फॉरेस्ट सॉइल्स आर वेरी रिच इन हमस बट डेफिशिएंट इन पोटैश, फॉस्फोरस एंड लाइम। सो ये सॉइल अगेन ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है बट पोटैश, फॉस्फोरस और लाइम में कमी होती है, देयरफॉर जो फर्टिलिटी होती है फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल्स की इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हाई। दे रिक्वायर गुड डील ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर हाई यील्ड्स, यानी कि इन सॉइल्स को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है अच्छे अमाउंट में अगर आपको एग्रीकल्चर करना है। दीज आर सूटेबल फॉर प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी, स्पाइसेज एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स इन पेनिनसुलर फॉरेस्ट रीजन। व्हीट, मेज, बार्ली एंड टेम्परेट फ्रूट्स आर ग्रोन इन द हिमालयन फॉरेस्ट रीजन। तो जो हिमालयाज और साउथ इंडिया में मिलने वाली जो सॉइल्स हैं फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल्स, दोनों अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, और दोनों जगह प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी अच्छी यील्ड चाहिए किसी भी क्रॉप की। नाउ द एरिड सॉइल, एरिड सॉइल की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आप इस नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर की जो कमी है इस वजह से एरिड सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक बाकी सॉइल से थोड़ा अलग है। द डेजर्ट सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ एओलियन सैंड एंड क्ले। एओलियन सैंड का मतलब वो सैंड जो विंड के एक्शन की वजह से डिपॉजिट हुई है। ठीक है, सो दिस एरिड सॉइल कंटेन्स अबाउट 90-95% ऑफ एओलियन सैंड, यानी कि इस सॉइल का जो कैरेक्टर है वो सैंडी है। अभी तक हमने लोमी और क्ले कैरेक्टर्स की सॉइल देखी थी, बट एरिड सॉइल इसका कैरेक्टर काफ़ी हद तक सैंडी है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ सैंड इनहिबिट सॉइल ग्रोथ।
डेजर्टिफिकेशन ऑफ नेबरिंग सॉइल्स इज कॉमन ड्यू टू इंट्रूजन ऑफ डेजर्ट सैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, यानी कि जो भी डेजर्ट सॉइल जिस रीजन में मिलती हैं वहाँ पे ऑब्वियसली वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होगी। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर वहाँ ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है तो विंड एक्शन की वजह से ये सैंड काफ़ी दूर तक ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और जिन रीजन्स में एरिड सॉइल्स, फॉर एग्जांपल दिस रीजन ऑफ राजस्थान जहाँ पे एरिड सॉइल मिल रही हैं, यहाँ से विंड सैंड को ब्लो करके सराउंडिंग एरियाज तक भी पहुंचा सकती है और इससे डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। यानी कि जो सॉयल्स अभी तक राजस्थान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिल रही थी वो विंड की वजह से नॉर्दर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया तक पहुंच जाएंगी और वहाँ की सॉयल्स में भी सैंड का कॉन्टेंट बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट होगा। डेजर्ट्स का जो बाउंड्री है वो धीरे धीरे राजस्थान के इस एरिया से बाहर निकल के सराउंडिंग एरियाज तक जाने लगेगा। सो दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। द सैंड हेयर इज ब्लोन फ्रॉम द इंडस बेसिन एंड द कोस्ट बाई प्रिवेलिंग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की डायरेक्शन होती है ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, तो ये विंड्स अपने साथ इस सैंड को ब्लो करके इंडिया के सेंट्रल पार्ट तक और नॉर्दर्न पार्ट तक लेके आ सकती हैं। दीज सॉइल्स दे अकर विदाउट क्ले फैक्टर एंड आर कॉमन इन कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, तमिलनाडु एंड केरला। दे आर पोअर इन ऑर्गेनिक मैटर, एल्कलाइन विथ वेरियंग डिग्री ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये जो सॉइल्स हैं ऑर्गेनिक मैटर में बहुत डिफिशेंट रहती हैं बिकॉज मॉइस्चर नहीं है, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, तो ऑर्गेनिक मैटर आएगा कहाँ से, इसलिए इन सॉइल्स में हमस का कॉन्टेंट काफ़ी कम रहता है। बट दीज सॉइल्स दे हैव गुड अमाउंट ऑफ एल्कलाइन एंड अदर सोल्यूबल सॉल्ट्स, जो कि मेटेलिक सॉल्ट्स हैं और एल्कलाइन सॉल्ट्स हैं, उनका कंपोनेंट हाई रहता है एल्कलाइन सॉइल में बिकॉज मॉइस्चर की कमी की वजह से ये सारे वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड सॉइल में ही रह जाते हैं क्योंकि कोई वाटर नहीं है इनको डिसॉल्व करके कहीं दूसरी जगह लेके जाने के लिए। नाउ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स मेक दीज सॉइल फर्टाइल वेर एवर मॉइस्चर इज अवेलेबल, यानी कि अगर मॉइस्चर इन सॉइल्स को अवेलेबल करा दिया जाए इरीगेशन फैसिलिटीज से या किसी और तरीके से, और उसके बाद फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रेट और फॉस्फेट के फर्टिलाइजर हैं उन्हें अप्लाई किया जाए तो जो एरिड सॉइल है यहाँ पर भी एग्रीकल्चर किया जा सकता है। दीज सॉइल्स ओनली द ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप सच एज बार्ली, कॉटन, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन ऑन एरिड सॉइल। अगर एरिड सॉइल में आप कोई क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं तो यूजुअली जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होंगी और सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स होंगी। सॉल्ट टॉलरेंट बिकॉज ऑब्वियसली हमने यहाँ देखा कि एल्कलाइन और मेटालिक सॉल्ट्स का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, तो जो भी क्रॉप्स हों वो इन सॉल्ट्स को टॉलरेट कर सकें ऐसे क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए बिकॉज मॉइस्चर की कमी है। तो अगर मॉइस्चर रेडिली अवेलेबल नहीं है तो क्रॉप्स ऐसी ग्रो करनी चाहिए जो कि कम वाटर सप्लाई में ही अच्छी यील्ड दे सकें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल इन प्लेसेस वेयर द ड्रेनेज सिस्टम इज पुअर एंड इन रीजन्स विद हाई सब सॉइल वाटर टेबल, इंजूरियस सॉल्ट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिलो बाय द कैपिलरी एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन इन ड्राई सीजन। वो एरियाज जहाँ पे ड्रेनेज पुअर है यानी कि वाटर का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा नहीं है, वाटर लॉगिंग हो जाती है सॉयल में, वाटर का सैचुरेशन हो जाता है, या फिर उन एरियाज में जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल सॉयल के काफ़ी करीब है, बहुत डीप ग्राउंड वाटर टेबल नहीं है, काफ़ी उसकी शैलो डेप्थ है, वो काफ़ी हाइट तक है, तो ऐसे एरियाज में जब भी इवेपोरेशन होता है और सॉयल से वाटर का लॉस होता है तो कैपिलरी एक्शन की वजह से काफ़ी सॉल्यूबल सॉल्ट्स डीप फ्रॉम द सॉयल ऊपर आके टॉप सॉयल तक पहुंच जाते हैं। कैपिलरी एक्शन का मतलब जब भी टॉप सॉयल से इवेपोरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा टॉप सॉयल से, तो एक तरह का सक्शन बन जाता है और वाटर जो कि सॉयल के काफ़ी डीप था वो वाटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने लगता है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रॉ से किसी पानी को खींच जब सक करते हैं स्ट्रॉ से तो आप किसी ड्रिंक को ग्लास में से ऊपर सक कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसी तरीके से कैपिलरी एक्शन होता है जिसमें इवेपोरेशन की वजह से धीरे धीरे वाटर जो कि डीप अंडर द सॉयल मौजूद था उसे टॉप सॉइल की तरफ खींचा जाता है, और दिस एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स। दीज सॉइल्स दे आर फाउंड इन कैनाल इरीगेटेड एरियाज एंड इन एरियाज ऑफ हाई सब सॉइल वाटर टेबल, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, महाराष्ट्र हैव दीज काइंड ऑफ सॉइल्स। तो वो एरियाज जहाँ पे इरीगेशन का जो प्रैक्टिस है वो बहुत सस्टेनेबली यूज़ नहीं किया गया, या फिर वो एरियाज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए जहाँ पे ड्रेनेज पुअर है या वाटर टेबल बहुत हाई है, तो उन एरियाज में हमें सलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स देखने को मिलेंगी। द एकोमुलेशन ऑफ दीज सॉल्ट्स मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड रेंडर्स इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जब भी सॉल्ट सलाइन एल्कलाइन सॉइल में
वाटर का कैपिलरी एक्शन हो गया, जो वाटर नीचे काफ़ी डीप अंडर द सॉइल मौजूद था उसमें काफ़ी सॉल्ट्स डिजॉल्व थे, जब वो कैपिलरी एक्शन की वजह से सरफेस तक आ गया और सरफेस तक आने के बाद इवेपोरेट हो गया वो वाटर, तो उसने सारे सोल्यूबल सॉल्ट्स को टॉप सॉइल में ही छोड़ दिया। तो धीरे धीरे टॉप सॉइल में सॉल्ट्स का जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉइल सेलाइन और एल्कलाइन हो जाती है और उस पर आप और एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ दैट सॉल्ट दैट सॉइल हैज़ अ वेरी हाई सॉल्ट कॉम्पोनेंट। सो अलॉन्ग द कोस्ट लाइन सेलाइन सी वाटर्स इन्फिल्ट्रेट इन टू कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग स्टॉर्म सर्जेस एंड मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर कल्टिवेशन। जो कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पे भी कई बार स्टॉर्म्स की वजह से या किसी और रीजन की वजह से जो सेलाइन सी वाटर है वो भी सॉइल को सॉल्ट से कंटेमिनेट कर सकता है और सॉइल को सेलाइन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल द एरियाज ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जो कि ये एरियाज ट्रॉपिकल साइक्लोन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, तो जब भी सी वाटर इंट्रूड कर जाएगा, धीरे धीरे लैंड पे इंक्रोच कर जाएगा, तो वो अपना सॉल्ट पीछे छोड़ जाता है सॉयल में और सॉयल धीरे धीरे सलाइन हो जाती है और इनफर्टाइल हो जाती है। नाउ द लास्ट सॉयल इज द पीटी एंड मार्शी सॉयल। दीज सॉयल्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये पीटी और मार्शी सॉयल्स उन रीजन्स में मिलेंगी जहाँ जो रीजन्स बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हैं और सॉयल में वाटर का बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, ठीक है। तो इन सॉयल्स में आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिलेगा एंड सॉल्यूबल सॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक डिफरेंस जो सेलाइन और पीटी सॉयल्स में वो ये है कि पीटी सॉयल्स में वाटर का इवेपोरेशन टॉप सॉयल से नहीं हो रहा, कोई ड्राई सीजन ऐसा नहीं है जब ऊपर से सारा वाटर इवेपोरेट कर जाए और सॉयल में सॉल्ट्स को पीछे छोड़ जाए। पीटी सॉयल्स में हमेशा ह्यूमिडिटी हाई रहेगी, मॉइस्चर का कंटेंट सॉयल में हमेशा ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से ऑर्गेनिक मैटर और सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट सॉयल में हमेशा अवेलेबल रहेंगे। दी सॉयल्स आर फाउंड इन मोस्ट ह्यूमिड रीजन्स एंड दे आर ब्लैक, हैवी एंड हाईली एसिडिक। दे अकर इन कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा एंड तमिलनाडु, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, इन बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दे आर डेफिशियंट इन पोटैश एंड फॉस्फेट। मोस्ट ऑफ द पीटी सॉइल्स आर अंडर वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बट एज सून एज द रेन सीज दे आर पुट अंडर पैडी कल्टिवेशन। तो पीटी और मार्शी सॉइल्स ये पैडी कल्टिवेशन के लिए इंटेंसिवली यूज होती हैं, बिकॉज आगे हम बात भी करेंगे कि जो राइस की क्रॉप है उसकी ग्रोथ के लिए पीटी और मार्शी सॉइल्स और क्लेई सॉइल्स, इनका जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छा रहता है। सो इन सारी सॉइल्स के डिफरेंट टाइप्स को एक बार ब्रीफली डिस्कस करने के बाद अब इस क्वेश्चन पे हम फिर से आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। सो फर्स्ट वन इज दे आर जनरली रेड इन कलर। हमने जब लेटराइट सॉइल्स को डिस्कस किया हमने देखा येस दे आर रेड इन कलर, बट आर दे रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश? नो दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश। इंडिया में ऐसी कोई भी मेजर सॉइल टाइप नहीं है जो कि नाइट्रोजन के लिए रिच हो, ठीक है। तो ये तो आप एक स्टेटमेंट मान ही सकते हैं कि नाइट्रोजन रिच सॉइल आपको इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलेगी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट है। नाउ लेटराइट सॉइल्स आर दे वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी? नो दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान में तो कुछ जगहों पे लेटराइट सॉइल जरूर देखने को मिलती है, बट इन उत्तर प्रदेश सिर्फ एलुवियल सॉइल का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी डिफरेंट सॉइल टाइप्स दे आर नॉट रेडिली फाउंड इन उत्तर प्रदेश। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। नॉट टैपियोका एंड कैशूनट्स ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स? बिल्कुल सही बात है, हमने लेटराइट सॉइल्स को डिस्कस किया तो हमने वहाँ देखा काफ़ी सारी प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं लेटराइट सॉइल में, एंड टैपियोका एंड कैशूनट्स ये दोनों क्रॉप्स जो हैं लेटराइट सॉइल्स पे रेडिली कल्टिवेट की जाती हैं। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट फोर, ठीक है। तो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वन एंड फोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर? अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम, एक्यूमुलेटेड हमस, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड अबंडेंस ऑफ फॉस्फेट्स। सो हमने डिस्कस किया फेरिक ऑक्साइड की वजह से कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर आता है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर अबंडेंस ऑफ हमस होगा तो सॉयल का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, ठीक है, ब्लैकिश सा कलर आ जाता है अगर सॉयल में ज़्यादा हमस हो। अगर फॉस्फेट्स हैं तो ये कोई पर्टिकुलर कलर रेंडर नहीं करता सॉयल को, एंड ना ही मैग्नीशियम कोई पर्टिकुलर कलर रेंडर करता है सॉयल को, बट द हमस इट रेंडर्स डार्क कलर, सॉयल को काफ़ी डार्क कर देता है, और अगर फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा है तो सॉयल को रेडिश टिंज दे देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू सॉयल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप रोटेशन, सैंड फेंसिस, टेरेसिंग एंड विंड ब्रेक्स, विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर सॉयल कंजर्वेशन इन इंडिया? तो इंडिया में सॉयल को कंजर्व करने के लिए ये जो सॉयल कंजर्वेशन प्रैक्टिस हैं इनमें से कौन सी प्रैक्टिस को यूज़ किया जा सकता है?
तो अब आप ये देखिए कि कोई भी सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस हो, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि आपको, मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, आपको कोई ना कोई ऐसी जगह मिली जाएगी जहाँ आप ये कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो क्रॉप रोटेशन हो, सैंड फेंसेज हो, टेरेसिंग हो और विंड ब्रेक्स हो। तो अगर आपको पता है कि ये चारों चीज़ें सॉइल को कंजर्व करने में हेल्प करती हैं, तो यू कैन ईजिली पिक योर ऑप्शन, दैट इज़ डी, 1, 2, 3 एंड 4, ऑल दीज ऑप्शन कैन बी यूज टू कंजर्व सॉइल। और इस क्वेश्चन में वैसे बता भी दिया गया है कि विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये इंडीड सॉइल कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस हैं, और इंडिया में ये चारों प्रैक्टिसेस को अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्रॉप रोटेशन, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिससिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया एंड सिक्वेंस सीजन्स। इट इज़ डन सो दैट द सॉइल is not used for only one set of nutrients. It helps in reducing soil erosion and increases soil fertility and crop yield. यानी कि किसी एक लैंड पार्सल पे, लैंड के पैच पे आप एक साल के डिफरेंट सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स कल्टिवेट करें, और उन क्रॉप्स का नेचर ऐसा हो कि वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डिमांड करें। यानी कि अगर आपने एक सीजन में कोई ऐसी क्रॉप लगाई जो कि नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो अगले सीजन में आप ऐसी क्रॉप लगाइए जो नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा यूज़ ना करे, बल्कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करे, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करे। तो उसे हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन, यानी अलग अलग तरह की क्रॉप साल के अलग अलग टाइम में हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। ये प्रैक्टिस इंडिया में हर जगह यूज़ होती है, इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में जहाँ एग्रीकल्चर होता है क्रॉप रोटेशन की जाती है। नाउ सैंड फेंस, सैंड फेंस और सैंड ब्रेक इज़ यूज टू फोर्स विंड ब्लोन ड्रिफ्टिंग सैंड टू एक्यूमुलेट इन अ डिजायर्ड प्लेस। सैंड फेंसेज आर एम्प्लॉयड टू कंट्रोल इरोजन, हेल्प सैंड ड्यून स्टेबिलाइजेशन, कीप सैंड ऑफ रोडवेज एंड टू रिक्रूट न्यू मटेरियल इन डेजर्ट एरियाज़। जो डेजर्ट के एरियाज़ हैं जहाँ पे सॉइल में सैंड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सैंड को कंट्रोल करने के लिए सैंड फेंस यूज़ किया जाता है। और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, सैंड फेंस को ज़रूर यूज़ किया जाता है सॉइल की कंजर्वेशन के लिए। देन द कॉन्टोर बंडिंग, दिस इज़ द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ लेइंग स्टोन्स अक्रॉस अ स्लोप फॉलोइंग इट्स एलिवेशन ऑफ कॉन्टर लाइन्स। कॉन्टूर लाइन्स का मतलब वो लाइन्स जो सेम हाइट के पॉइंट्स को ज्वाइन करें, यानी कि सेम हाइट पे आपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्टोन्स को रख दिया, एंड दीज कॉन्टूर लाइन्स दे क्रिएट अ वाटर ब्रेक विच रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ रिल्स एंड गलीज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हैवी वाटर रन ऑफ विच इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, विंड और वाटर के एक्शन को रोकने के लिए हम स्टोन्स को रख देते हैं परपेंडिकुलर टू द स्लोप एंड पैरेलल टू द कॉन्टूर लाइन्स, और इससे हम कॉन्टूर बंडिंग का फॉर्मेशन करके वाटर और विंड के एक्शन को रोक कर सॉइल इरोजन को चेक करते हैं। नाउ दिस फिनोमेना इज वेरी कॉमन टेरेसिंग, इट इज अ पीस ऑफ स्लोप प्लेन दैट हैज बीन कट इन टू अ सीरीज ऑफ सक्सेसिवली रिसीडिंग फ्लैट सर्फिसेज और प्लेटफॉर्म्स विच रिजेंबल स्टेप्स फॉर द पर्पजेज ऑफ इफेक्टिव फार्मिंग टू डिक्रीज बोथ इरोजन एंड सर्फिस रन ऑफ एंड मे बी यूज टू सपोर्ट ग्रोइंग क्रॉप दैट रिक्वायर इरीगेशन सच एज राइस। यानी कि वो स्लोपी एरियाज जहाँ पे स्लोप हाई है, उन एरियाज में हमने टेरेसिंग करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स की फॉर्म में इस पूरी स्लोप को काट दिया, और इसके बाद सॉइल इरोजन रुक जाएगा क्योंकि आप वाटर को या विंड को डायरेक्ट पाथ नहीं मिलेगा सॉइल को इरोड करने के लिए। और अगर आपको इरिगेशन भी करनी है तो आप इन प्लेन सर्फिसेज पे इरिगेशन भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई टेरेसिंग इज ऑल्सो अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड एंड सो इज सैंड फेंस। अ विंड ब्रेक और सैंड फेंस इज अ स्टंटिंग यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स प्लांटेड इन सच अ मैनर एज टू प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द विंड एंड टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन। जो डेजर्ट एरियाज हैं जहाँ पे हाई वेलोसिटी विंड्स चलती हैं और सैंड को काफ़ी दूर तक लेके जा सकती हैं, तो उन एरियाज में फील्ड के बाउंड्री पे टॉल ट्रीज को प्लांट किया जाता है ताकि विंड डायरेक्टली फील्ड को ना पहुंच पाए और हाई वेलोसिटी विंड सॉइल को ना इरोड कर पाए। तो दिस सैंड फेंस और विंड ब्रेक, दिस इज ऑल्सो यूज इन डेजर्ट एरियाज टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम विंड इरोजन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। तो हमने अभी कॉन्टूर बंडिंग का मेथड डिस्कस किया। कॉन्टूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन डेजर्ट मार्जिन्स लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्सेज लायबल टू फ्लडिंग, स्क्रब लैंड्स लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ। तो कॉन्टूर बंडिंग को कहाँ यूज़ किया जाएगा? डेजर्ट मार्जिन्स में नहीं, डेजर्ट मार्जिन्स में हम सैंड फेंस को या फिर विंड सैंड ब्रेक्स को, विंड ब्रेक्स को यूज़ कर रहे हैं विंड एक्शन से रोकने के लिए।
लो फ्लैट प्लेन्स, अगर प्लेन्स फ्लैट हैं तो ऑब्वियसली वहाँ कॉन्टूर बेंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टूर बेंडिंग हमेशा स्लोपी एरियाज में की जाएगी जहाँ पे स्लोप के परपेंडिकुलर आप स्टोन्स रख के वाटर को रोक सकें। तो लो फ्लैट प्लेन्स में स्ट्रीम कोर्सेज के क्लोज कॉन्टूर बेंडिंग का प्रैक्टिस नहीं यूज़ किया जाता, और ना ही वीड ग्रोथ को रोकने के लिए हम कॉन्टूर बेंडिंग यूज़ करते हैं, हम कॉन्टूर बेंडिंग इरोजन को रोकने के लिए स्लोपी एरियाज में यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि अगर किसी ऑप्शन में स्लोप का मेंशन होता या टू चेक सॉइल इरोजन फ्रॉम विंड और वाटर एक्शन इसका बात होता तो हम जरूर उस ऑप्शन को टिक करते, बट इन नन ऑफ दीज ऑप्शंस स्लोप इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सरफेस साइकिल। इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो तीनों स्टेटमेंट्स को पहले एक एक बार हम स्क्रूटनाइज करते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्टेंट ज़्यादा है तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट ट्रू है कि अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्टेंट ज़्यादा होगा तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर सॉइल में ज़्यादा बायोटिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो उतना ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकती है। ठीक है, जो पीटी मार्शी सॉइल्स थे हमने वहाँ देखा कि वो बहुत ज़्यादा हमस वहाँ ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, इसलिए सॉइल मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकती है। जो डेजर्ट की सॉइल है, सैंडी सॉइल है, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और इसलिए वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसका ऑपोजिट ट्रू है। देन सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सरफेस साइकिल, यानी सल्फर साइकिल में सॉइल का कोई रोल नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सॉइल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फर साइकिल में, एंड इवन जो दूसरी भी बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं, चाहे वो वाटर साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, फॉस्फोरस साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, हर साइकिल में सॉइल का रोल ज़रूर होगा, बिकॉज सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बायोस्फीयर। तो जो भी साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल हमारे प्लैनेट पे चल रही है वो सॉइल से होके तो ज़रूर गुजरेगी। ठीक है, और सल्फर साइकिल की पर्टिकुलरली बात करें तो सल्फर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ पाथवे बाय विच अ केमिकल सब्सटेंस मूव्स थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपार्टमेंट्स ऑफ द अर्थ। जो हमने यहाँ दिखाया सल्फर साइकिल है, तो आप देख सकते हैं सॉयल से होके सल्फर पूरे सॉयल और फिर एटमॉस्फेयर एंड देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो पूरी साइकिल चल रही है इसमें सॉयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉयल एक रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करती है जहाँ पे सल्फेट कंपाउंड्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा सल्फर आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो जो भी रिजर्वॉयर है सल्फर का वो सॉयल से ही तो जा रहा है, और इसके बाद प्लांट्स उस सल्फर को अपटेक करते हैं, उन प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, फिर वो जब उनकी डेथ होती है तो वो अगेन सल्फर फिर सॉइल में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें सॉइल की वजह से ही हो रही हैं। सो सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सल्फर साइकिल। देन दिस सेकेंड स्टेटमेंट अगेन इसका मतलब ये गलत हो जाएगी कि सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल। तो अगर आप ये ऑप्शंस देखें तो आर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स बोथ आर रॉन्ग एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी थ्री ओनली। और अगर थर्ड स्टेटमेंट को भी आप स्क्रूटनाइज करें तो इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड्स, यानी कि कुछ एग्रीकल्चरल लैंड्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से इरिगेशन हो रहा है तो वहाँ पे सलिनाइजेशन हो सकता है। ये बिल्कुल ट्रू है, दिस इज़ ट्रू फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन की वजह से जो भी सॉइल थी वहाँ पे वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है और वो सॉइल सलाइन हो गई है। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी थ्री ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, यानी आप एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं या इनअप्रोप्रिएटली यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल कैन अकप। इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ें और सोचें कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोलिफरेशन हो जाएगा, मतलब उनकी तादाद बढ़ जाएगी। अगर आप सॉइल में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल में फिक्स करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब अगर आप किसी सॉइल पर एक बार नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लगा दें और नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर बढ़ने लगें तो फिर तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लगाया और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे उनकी तादाद बढ़ने लगी तो वो तो अपने आप नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होने देंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स अगर आप सॉइल में डालते हैं तो आपको हर साल डालने पड़ते हैं,
कोई भी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद पे फर्क नहीं पड़ता इफ़ यू अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड इज इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आप लगा रहे हैं बार बार सॉइल में तो सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्चुअली दिस इज करेक्ट। एंड देन लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो अकर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन चीज़ों को आप एक बार हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। वट आर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूरिया यूज। यूरिया मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। इट इन्हेंसेज माइनिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रियट्स दैट आर नॉट अप्लाइड और अप्लाइड इनएडिक्वेटली, दस लीडिंग टू डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सच सॉइल्स में रिक्वायर मोर फर्टिलाइजर्स ओवर टाइम टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम यील्ड्स। ये स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सॉइल में जो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं उनकी भी माइनिंग बढ़ जाती है, बिकॉज सॉइल में जब नाइट्रोजन का कंपोनेंट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली सॉइल पे वेजिटेशन बढ़ने लगेगी, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करेंगी और वो क्रॉप्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को डिमांड करेंगी सॉइल से। तो सॉइल में जो बाकी न्यूट्रिएंट मौजूद हैं उनका भी यूज़ बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो सॉइल न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिशिएंट हो जाएगी और आपको हर साल फिर आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स और बाकी न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी। देन द एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन और यूरिया एनकरेजेस क्लाइमेट चेंज एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अगर जो भी आपने सॉयल में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाले वहाँ डीनिट्रिफिकेशन, जो कि एक नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस की वजह से एक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉयल इट गेट्स लॉस्ट टू एटमोसफेयर, वो एटमोसफेयर में धीरे धीरे पहुँचने लगेगा और इवन वो नाइट्रोजन धीरे धीरे सॉयल से सीप होके वाटर के साथ नीचे के ग्राउंड टेबल तक भी पहुंच जाएगा और ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करेगा। तो ग्राउंड वाटर का भी पोल्यूशन होगा और क्लाइमेट चेंज भी होगा, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो बोथ क्लाइमेट चेंज एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव यूरिया यूज। देन प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ यूरिया इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि जितना ज़्यादा नाइट्रोजन रहेगा सॉइल में अमोनिया की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी और उससे एसिडिक कॉम्पोनेंट जो है सॉइल में वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और सॉइल का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन अनबैलेंस्ड यूज ऑफ यूरिया डिक्रीजेज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, दस लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लवरिंग ऑफ नेट प्रॉफिट्स। यानी कि अगर आप यूरिया का अनबैलेंस्ड यूज़ कर रहा है, कोई भी फार्मर अगर बार बार एक फील्ड पे नाइट्रोजन को डाल रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो ओवर टाइम उस सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और उस फार्मर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उसको हर साल ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा इरीगेशन यूज़ करनी पड़ेगी और उसकी क्रॉप का जो यील्ड है, जो टोटल आउटपुट है, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। So in this question again, as I have told you, this first statement is incorrect. Proliferation of nitrogen-fixing microorganisms, it has no considerable impact. As if we talk about nitrogenous fertilizers, in दोनों में कोई खास relation नहीं है. Then increase in the acidity of soil can take place. This is an outcome of excessive urea use. Then leaching of nitrate to the groundwater can occur. This is also true because वो urea धीरे धीरे water के साथ groundwater की तरफ जाने लगेगा and groundwater को भी contaminate करेगा. So your correct answer will be C, 2 and 3 only. First statement is incorrect. Now the next question is, with reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? First one is avoiding monoculture practices, adopting minimum tillage, avoiding the cultivation of plantation crops, using crop residues to cover soil surface, and then adapting or adopting special and temporal crop sequencing or crop rotation. तो सबसे पहले जो conservation agriculture का concept है इसे discuss करते हैं. It is a set of soil management practices that minimize the disruption of soil structure, composition and natural biodiversity. यानी कि conservation agriculture कुछ farming practices का set है जिसकी वजह से हम soil के structure को, composition को और soil की fertility को maintain रखते हैं, ठीक है। जो sustainable agriculture है उसको करने के लिए कुछ set of practices हैं जिनको मिला के हमने नाम दिया है conservation agriculture. तो वो practices क्या हैं? कुछ की practices ये हैं कि minimum soil disturbance by adopting no tillage and reduced traffic for agricultural operations. यानी कि soil को आप बहुत ज़्यादा disturb मत करिए, जितना tillage ज़रूरी है उतना करिए या फिर कोई tillage मत करिए, soil को प्लाउ मत करिए, जोतिए नहीं, ताकि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है सॉइल का वो मेंटेन रहे. देन मैक्सिमम सॉइल कवर बाय लीविंग एंड मैनेजिंग क्रॉप रेसिड्यूज इन द सॉइल सरफेस एज अ कवर. यानी कि जो भी फील्ड में आपने क्रॉप कल्टीवेट की हैं,
क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उस सॉयल को बेयर मत छोड़िए, ठीक है, एक्सपोज मत करिए, क्योंकि अगर एक्सपोज रहेगी सॉयल तो वो एयर और वाटर के एक्शन की वजह से सॉयल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो सकती है और सॉयल इरोड हो सकती है। तो क्रॉप जब भी हार्वेस्ट हो जाए उसके बाद भी फील्ड पे हमेशा कोई वेजिटेटिव कवर रहना चाहिए ताकि सॉयल एक्सपोज ना हो। तो या तो क्रॉप जो हार्वेस्ट कर ली उसका रेसिड्यू छोड़ दीजिए, या फिर मल्चिंग और स्ट्रॉइंग यानी जो भूसा होता है, हे होता है, हे को उस सॉयल पे डाल के सॉयल को कवर कर दें ताकि सॉयल से कोई भी न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो एटमॉस्फेयर में। देन अडॉप्ट स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इनपुट्स। जो हमने क्रॉप रोटेशन की बात की वो एक्चुअली टेम्पोरल क्रॉप रोटेशन है, ठीक है। आप टाइम में क्रॉप को चेंज कर करके किसी टाइम में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहे हैं, और स्पेशल क्रॉप रोटेशन मतलब एक ही फील्ड में दो अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहे हैं ताकि उस फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। सो इन दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव सीन अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सर्फेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप रोटेशंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का उतना पार्ट नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी कह दिया कि अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग, ये चीज़ तो यहाँ फिफ्थ ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है, सॉरी सेकंड ऑप्शन भी सही है एंड फोर्थ ऑप्शन भी सही है। सो 2, 4, 5 दीज आर करेक्ट, ठीक है। अगर 2, 4 एंड 5 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो हमारे पास बी और सी ही बचेगा, जिसमें थर्ड ऑप्शन को करेक्ट बोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज हमारा कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा। अगर हम ए ऑप्शन चूज करेंगे तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट को चूज करेंगे, और सेकंड एंड फिफ्थ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, वो दोनों स्टेटमेंट्स रह जाएंगी, इसलिए ए ऑप्शन एलिमिनेट होगा। 1, 2, 3, 5 में हमारा फोर्थ, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सर्फेस, ये पॉइंट छूट जाएगा, सो ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट होती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या जरूरी है या नहीं, ये देखना इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, इसे अवॉइड करना है या नहीं करना। सो दिस इज नॉट अ पॉइंट फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, प्लांटेशन क्रॉप्स की भी कल्टीवेशन की जा सकती है, इसलिए दिस ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2, 4, 5। तो हमने यहाँ देखा कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स को चूज करके आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अवॉइडिंग मोनोकल्चर एंड अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग। ये दोनों चीज़ें लगभग सेम बात कह रही हैं कि आपको मोनोकल्चर नहीं करना, एक ही क्रॉप बार बार नहीं उगानी, और फिफ्थ स्टेटमेंट ये कह रही है कि अलग अलग क्रॉप्स उगानी है। बट इन ऑप्शंस में आप देखें अगर, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ स्टेटमेंट दोनों इंक्लूडेड हों, इसलिए हमने यहाँ पे 2, 4, 5 इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अजर्शन रीजन टाइप। अगेन देखें, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट, एंड रीजन दिया गया है कि ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट। अब ये रीजन वाली स्टेटमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग है, बिकॉज हमने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस कर ली कि जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। इनफैक्ट इंडिया में जिन रीजन्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है उन रीजन्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आता है। सो देयरफॉर दिस रीजन इज रॉन्ग, और अगर रीजन फॉल्स हो गया तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड ए इज इन फैक्ट ट्रू कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया डज प्रोड्यूस मोर राइस, बिकॉज जो सॉइल मिलती है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे वो ज़्यादा फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है, और रिवर्स भी बहुत ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जहाँ जिसकी वजह से इरीगेशन फैसिलिटीज ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा अच्छी हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। सो दिस इज द करेक्ट रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर राइस ऑन ईस्टर्न कोस्ट, बट दिस रीजन इज इनकरेक्ट। Now this next question talks about the integrated watershed development program. So integrated watershed development program के वजह से क्या benefits होंगे? Prevention of soil runoff, linking the country's perennial rivers with seasonal rivers, rainwater harvesting and recharge of groundwater table, and regeneration of natural vegetation. तो ये चीज़ें discuss करें, इससे पहले हम watershed के बारे में अपना concept brush कर लेते हैं कि what is a watershed. A watershed is defined as an area of land where all the surface water drains into the same place, whether it's a creek, a stream, a river or an ocean. Therefore, all precipitation such as rain or snow that falls on a watershed ends up flowing on the or to the same place.
यानी वाटरशेड एक ज्योग्राफिकल रीजन है जहाँ पे जितना भी वाटर अवेलेबल होता है, चाहे वो रेनफॉल से आए, चाहे स्नोफॉल से आए, चाहे जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, कोई लेक है वहाँ पे, वो सारा वाटर किसी एक ही तरफ फ्लो करता है और किसी एक ही पॉइंट से उस एरिया से बाहर निकलता है। जैसे आप इस अगर डायग्राम में देखें, सो दिस रीजन शोज अ वाटरशेड। अगर इस रीजन में कहीं भी रेनफॉल हो रही है, कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही है, कोई रिवर है, कोई लेक है, तो वो स्लोप की वजह से सारा वाटर फ्लो करके एक ही पॉइंट से बाहर निकलेगा। तो इस पूरे रीजन को हमने वाटरशेड कह दिया, एंड दिस रिवर इज द ओपनिंग पॉइंट फॉर दिस वाटरशेड। ठीक है, ये और अंडरग्राउंड वाटर भी इसी स्लोप को फॉलो कर रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी इसी जगह से फ्लो करेगा। तो इसका मतलब वाटरशेड एक बाउंड्री बना देता है उस एरिया के अराउंड जहाँ पे आने वाला सारा वाटर, चाहे वो एटमोसफेयर से आ रहा है, चाहे वो सरफेस वाटर है, वो सारा एक ही जगह से फ्लो करके निकले, तो हम इस एरिया को वाटरशेड कह देते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी है कैचमेंट। टू और मोर कैचमेंट्स फॉर्म सब वाटरशेड्स। तो डिफरेंट कैचमेंट्स मिल के क्या बना देंगी, एक वाटरशेड। इस वाटरशेड में डिफरेंट कैचमेंट्स क्या होगा, इस लेक का कुछ कैचमेंट होगा, यानी कि कुछ पानी पहले इस लेक में जाएगा, इस लेक से निकल के फिर इस रिवर में जा रहा है, कुछ वाटर होगा जो पहले इस स्ट्रीम में पहुंचेगा। ठीक है, रेनफॉल जब फ्लो रेनफॉल गिर रही है तो वो सारा पानी पहले इस स्ट्रीम में जाएगा, तो इस स्ट्रीम का कैचमेंट एरिया हो गया। तो ये सारा वाटर अगेन एक्यूमुलेट होके जब एक पॉइंट से बाहर निकलेगा, सो ऑल दीज कैचमेंट्स दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन वाटर शेड। तो ये वाटर शेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप हाइड्रोलॉजी की बात करें, और वाटर शेड को यूज़ करके हम वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमने कोई वाटर शेड डिफाइन कर दिया, तो अब हमें ये पता लग सकता है कि उस जगह से कितना पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि पूरे वाटर शेड से वाटर का एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक है, तो वहाँ पे आप वाटर को मेजर कर सकते हैं कि कितना पानी इस एरिया से बाहर निकला। देन यू कैन ऑलवेज मेजर कि इस एरिया में कितना रेनफॉल हो रहा था, क्योंकि जितना भी पानी इस एरिया में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज मेजर कि रेनफॉल की वजह से कितना पानी आया, और बाकी जो रिवर्स आ रही हैं इस एरिया में उनमें कितना पानी है। सो यू कैन मेजर कि हाउ मच वाटर वॉज इनपुट इन टू दिस वाटर शेड एंड हाउ मच वाटर इज एग्जिटिंग फ्रॉम दिस वाटर शेड। तो कितना वाटर इस वाटर शेड के एरिया ने यूज़ कर लिया, ये मेजर करना आसान हो जाता है। इसलिए वाटर शेड को हम लोग यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में और प्लानिंग में टू कंजर्व मॉइस्चर। जितनी भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए, वो वाटर शेड के अराउंड ही सेंटर्ड रहती हैं। तो एक ऐसी स्कीम है इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2009 and 2010 एंड इट एम्स एट प्रिवेंशन ऑफ सॉयल रन ऑफ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये फोर ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के। बट नाउ दिस प्रोग्राम हैज़ बीन मर्ज्ड इनटू द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, और इस स्कीम का एक कॉम्पोनेंट है इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो दिस इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिवेंशन ऑफ सॉयल रन ऑफ इज करेक्ट, ये इसका फायदा होगा। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ये भी इसका फायदा है, एंड रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट फॉर इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट। बट लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स, ये इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ये इंडिया का नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, विच इज अ सेपरेट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की पेरेनियल और सीजनल रिवर्स को इंटरकनेक्ट किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दीज थ्री आर आर आंसर। सो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1, 3 and 4। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री का नाम दिया गया है। सो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो यू हैव टू टेल कि ये इन तीन मैचिंग्स में से कौन सी पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो आपको अपने कमेंट्स में आंसर बताना है कि कौन सा मैचिंग करेक्ट है। ये सारी मिनिस्ट्रीज और इनसे जुड़ी हुई स्कीम्स अगेन प्रीलिम्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो मैंने आपको ये होमवर्क ही दिया है ताकि आप करंट अफेयर्स को जो पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आपका वो करंट अफेयर्स रिवाइज हों, स्कीम्स को और उनके मिनिस्ट्री को के बारे में जानना कि कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, कौन सी स्कीम कौन सा प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा भरी में पूछे जाते हैं, तो देयरफॉर यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। एंड अगेन आई विल रिमाइंड यू कि हमारा सिविल स्टेप टेलीग्राम का चैनल जो आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे आपको हमारी सारी यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ की अपडेट्स रेडिली अवेलेबल हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।
We will meet again tomorrow with a brand new lecture and brand new questions relating to the same topic regarding the agriculture in India. Thank you.